एक माँ थी और उसका एक बेटा था। माँ बेटे बहुत गरीब थे। एक दिन माँ ने बेटे से कहा, बेटा यहां से बहुत दूर तपोवन में एक मुनिराज पधारे हैं, वे बड़े सिद्ध पुरुष हैं और महाज्ञानी हैं। तुम उनके पास जाओ और पूछो कि हमारे ये दुख के दिन और कब तक चलेंगे, इसका अंत कब होगा। बेटा घर से चला। पुराने समय की बात है, यातायात की सुविधा नहीं थी, वह पद यात्रा पर था। चलते चलते सांझ हो गई। गांव में किसी के घर रात्रि विश्राम करने रुक गया। संपन्न परिवार था। सुबह उठकर वह आगे की यात्रा पर चलने लगा तो घर की सेठानी ने पूछा, बेटा कहां जाते हो। उसने अपनी यात्रा का कारण सेठानी को बताया तो सेठानी ने कहा, बेटा एक बात मुनिराज से मेरी भी पूछ आना कि मेरी इकलौती बेटी है, वह बोलती नहीं है, गूंगी है, वह कब तक बोलेगी तथा इसका विवाह किससे होगा। उसने कहा, ठीक है, और वह आगे बढ़ गया। रास्ते में उसने एक और पड़ाव डाला। अब की बार उसने एक संत की कुटिया में पड़ाव डाला था। विश्राम के पश्चात जब वह चलने लगा तो उस संत ने भी पूछा, कहां जा रहे हो। उसने संत श्री को भी अपनी यात्रा का कारण बताया। संत ने कहा, बेटा मेरी भी एक समस्या है, उसे भी पूछ लेना। मेरी समस्या यह है कि मुझे साधना करते हुए 50 साल हो गए, मगर मुझे अभी तक संतत्व का स्वाद नहीं आया। मुझे कब संतत्व का स्वाद आएगा, मेरा कल्याण कब होगा, बस इतना सा पूछ लेना। युवक ने कहा, ठीक है, और संत को प्रणाम करके आगे चल पड़ा। युवक ने एक पड़ाव और डाला। अब की बार का पड़ाव एक किसान के खेत पर था। रात में चर्चा के दौरान किसान ने उससे कहा, मेरे खेत के बीच में एक विशाल वृक्ष है, मैं बहुत परिश्रम और मेहनत करता हूं, लेकिन उस बड़े वृक्ष के आसपास दूसरे वृक्ष पनपते नहीं हैं, पता नहीं क्या कारण है। किसान ने युवक से कहा, मेरी भी इस समस्या का समाधान कर लेना। युवक ने स्वीकृति में सिर हिला दिया और सुबह आगे बढ़ गया। अगले दिन वह मुनिराज के चरणों में पहुंच गया। मुनिराज के दर्शन किए। दर्शन कर उसने अपने जीवन को धन्य माना। मुनिराज से प्रार्थना की कि प्रभु मेरी कुछ समस्याएं हैं जिनका मैं समाधान चाहता हूं, आप आज्ञा दें तो श्री चरणों में निवेदन करूं। मुनि ने कहा, ठीक है, मगर एक बात का विशेष ख्याल रखना कि 3 प्रश्न से ज्यादा मत पूछना। मैं तुम्हारे किन्हीं भी 3 प्रश्नों का ही समाधान दूंगा, इससे ज्यादा का नहीं। युवक तो बड़े धर्म संकट में फंस गया। अब क्या करूं, प्रश्न तो 4 हैं, 3 कैसे पूछूं। 3 प्रश्न दूसरों के हैं और 1 प्रश्न मेरा खुद का है। अब किसका प्रश्न छोड़ दूं, क्या लड़की का प्रश्न छोड़ दूं? नहीं, ये तो ठीक नहीं है, ये उसकी जिंदगी का सवाल है। तो क्या महात्मा के प्रश्न को छोड़ दूं, यह भी नहीं हो सकता। तो क्या किसान का प्रश्न छोड़ दूं, नहीं, यह भी ठीक नहीं है, बेचारा खून पसीना एक करता है तब भी उसे कुछ भी नहीं मिलता है। अंत में काफी उपापोह के बाद उसने तय किया कि वह खुद का प्रश्न नहीं पूछेगा। उसने अपना प्रश्न छोड़ दिया और शेष 3 प्रश्नों का समाधान लिया और वापस अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में सबसे पहले किसान से मुलाकात हुई। किसान से युवक ने कहा, मुनिराज ने कहा है कि तुम्हारे खेत में जो विशाल वृक्ष है उसके नीचे चारों तरफ सोने के कलश दबे हुए हैं, इसी कारण से तुम्हारी मेहनत सफल नहीं होती है। किसान ने वहां खोदा तो सचमुच सोने के कलश निकले। किसान ने कहा, बेटा यह धन संपदा तेरे कारण से निकली है, इसलिए इसका मालिक भी तू है। और किसान ने वह सारा धन उस युवक को दे दिया। युवक आगे बढ़ा। अब संत के आश्रम आया। संत ने पूछा, मेरे प्रश्न का क्या समाधान बताया है।
युवक ने कहा, स्वामी जी माफ करना, मुनिराज ने कहा है कि आपने अपनी जटाओं में कोई कीमती मणि छुपा रखी है। जब तक आप उस मणि का मोह नहीं छोड़ेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। साधु ने कहा, बेटा तू ठीक ही कहता है, सच में मैंने एक मणि अपनी जटाओं में छिपा रखी है और मुझे हर वक्त इसके खो जाने का, चोरी हो जाने का भय बना रहता है, इसलिए मेरा ध्यान भजन सुमिरन में भी नहीं लगता। ले अब इसे तू ही ले जा। और साधु ने वह मणि उस युवक को दे दी। युवक दोनों चीजों को लेकर फिर आगे बढ़ा। अब वह सेठानी के घर पहुंचा। सेठानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा, बेटा बोल क्या कहा है मुनिराज ने। युवक ने कहा कि मां जी, मुनि जी ने कहा है कि तुम्हारी बेटी जिसको देखकर ही बोल पड़ेगी वही इसका पति होगा। अभी सेठानी और युवक की बात चल ही रही थी कि वह लड़की अंदर से बाहर आई और उस युवक को देखते ही एकदम से बोल पड़ी। सेठानी ने कहा, बेटा आज से तू इसका पति हुआ। मुनिराज की वाणी सच हुई और उसने अपनी बेटी का विवाह उस युवक से कर दिया। अब वह युवक धन मणि और कन्या को साथ लेकर अपने घर पहुंचा। मां ने पूछा, बेटा तू आ गया, क्या कहा है मुनिश्री ने, कब हमें इन दुखों से मुक्ति मिलेगी। बेटा ने कहा, मां मुक्ति मिलेगी नहीं, मुक्ति मिल गई, मुनिराज के दर्शन कर मैं धन्य हो गया। उनके तो दर्शन मात्र से ही जीवन के दुख पीड़ाएं और दर्द खो जाते हैं। मां ने पूछा, तो क्या मुनिराज ने हमारी समस्याओं का समाधान कर दिया है। बेटे ने कहा, हां मां, मैंने तो अपनी समस्या उनसे पूछी ही नहीं और समाधान भी हो गया। मां ने पूछा, वो कैसे। बेटे ने कहा, मां मैंने सबकी समस्या को अपनी समस्या समझा तो मेरी समस्या का समाधान स्वतः हो गया। जब दूसरों की समस्या अपनी खुद की समस्या बनने लगती है तो फिर अपनी समस्या कोई समस्या ही नहीं रहती। जो दूसरों के लिए सोचता है ईश्वर स्वयं उसके लिए करते हैं। अपने सनातनी होने पर हमेशा गर्व करें। श्री सीताराम भक्त वत्सल दिव्य संस्थान की प्रस्तुति। कृपया अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें और हमेशा रटते रहे जय श्री राम, जय जय श्री राम।